अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आपने आज मेरी जो वीडियो है पूरी देखनी है, क्योंकि आपको मज़ा आने वाला है। वो कैसे, वो ऐसे आज आपको बताऊंगा कि यार जो सुकून ड्रामा है इसके अंदर यार क्या चल रहा है क्या नहीं। आपको ये तो पता होगा कि रमदान और ऐना की शादी तो हो चुकी है, लेकिन ऐना रमदान के साथ खुश रहेगी या नहीं, क्यों नहीं रहेगी। अब तो उस्मान ने भी मना कर दिया है कि मैं ऐना के साथ शादी बिल्कुल नहीं कर सकता, ऐना एक अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन रजा ने धोखा तो दे दिया है, लेकिन ऐना ने सच्ची मोहब्बत की थी कि ये लड़का अच्छा है, उस्मान से बेहतर है, वो मुझे खुश रखेगा। उस्मान तो बिल्कुल घटिया बंदा है, उसकी जो सोच है बिल्कुल घटिया सोच है, बहुत ही घटिया और शक करता है, गलत बात है। लेकिन ऐना रजा के साथ मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन रजा ने बहुत ही ज्यादती की है ऐना के साथ, उसे धोखा दे दिया है। लेकिन अब जो रमदान के साथ ऐना की शादी हुई है, लेकिन रमदान जो है ऐना को बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा, वो क्यों। तो दोस्तों, जो सुकून ड्रामे की असल लव स्टोरी है वो अब शुरू होने जा रही है। क्यों रमदान है वो तो अब ऐना का हो चुका है, लेकिन जो रजा की बहन है वो रमदान से मोहब्बत करती है, उसका क्या होगा। सच कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐना के साथ जो रजा है उसने गलत किया है, और रजा की जो बहन है उसके साथ भी ऐसा होने जा रहा है, होने जा रहा क्या हो गया है, क्योंकि जो रजा की बहन है उसके भी ख्वाब मिट चुके हैं, क्योंकि जो वो ख्वाब देख रही थी रमदान के साथ, लेकिन वो अब ख्वाब नहीं देखेगी, क्योंकि ऐना का रमदान है और रमदान ऐना का है, दोनों ही एक दूसरे के हो चुके हैं। तो अब जो मज़ा आने वाला है ड्रामे का, बड़ा ही कमाल का ये ड्रामा होने वाला है। तो दोस्तों, आगे जो एपिसोड आएंगे पहले से भी ज़्यादा मज़ा देने वाले हैं एपिसोड आगे वाले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो मिलते हैं जी, तब तक अल्लाह हाफिज़।